आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है, मेरे टॉपिक से अलग है, मेरा जो कंटेंट है उससे थोड़ा अलग है। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी कोरोना के ऊपर कुछ, कि आप कोरोना टाइम में कैसे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। तो ये फाइल मैं यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये डिलीट ही नहीं हो रही है। ये बार बार मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट ही नहीं हो रही है। तो इसको कैसे डिलीट करेंगे आप विद इन 10 to 15 सेकेंड, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारी YouTube वीडियोस मैंने देखी, उसमें जो है कुछ लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की बात कराएंगे, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ डिलीट करना है इन दैट केस, तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसकी वीडियो जो फाइंड आउट करनी है, अक्सर क्या होता है कि हम उसकी वीडियो ओपन करते हैं, जैसे ये मैंने वीडियो शूट करी है तो वीडियो भी ओपन नहीं होती। तो इन दैट केस आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। पर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इसको कैसे डिलीट करेंगे विद इन 15 सेकेंड। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तो आपको सिंपली सर्च वाले उस बॉक्स में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है COMM, और ये हमारा आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। मैं यहाँ पे क्लिक कर देना, ये बहुत पुराना मेथड है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको कैपिटल CD और इसके बाद स्पेस फॉरवर्ड स्लैश एंड देन इसके बाद D, और इसको मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर दूंगा। यहाँ पे आपको इसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करके आपको इस फोल्डर पे जाना है जिसको आपको डिलीट करना है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये आप देख सकते हैं ये लोकेशन है, तो लोकेशन को सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आप इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप फिर से इस प्रॉम्प्ट में आएंगे और यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली एंटर दबा देना है। अब आपको यहाँ पे इंटर करना है स्मॉल में DIR, इसके बाद स्पेस देंगे फॉरवर्ड स्लैश और इसके बाद X, और इसके बाद आप इस यहाँ पे इंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको अब थोड़ा सा और यहाँ पे लिखना होगा RMDIR, इसके बाद स्पेस देके आप फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, Q करेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश करके यहाँ पे स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश एंड देन आप यहाँ पे S लिख देंगे। अब हमें जैसे पहले ही पता है कि हमारी जो फाइल थी, ये फाइल का नाम क्या था, ये मैं फाइल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका नाम, फाइल का नाम ये कोरोना था। बहुत ही फनी है, शायद कुछ लोगों को हंसी भी आए। सो ये हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पे कोरोना का है जी, ये रहा हमारा कोरोना। कोरोना के सामने ये जो लिखा हुआ है एकदम एज इट इज, आपको क्या करना है वही यहाँ पे लिखना है, एकदम एज इट इज आप यहाँ पे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे इंटर। जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं जो फाइल थी वो यहाँ पे गायब हो चुकी है, वो फाइल अब है नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, मुझे वीडियो में एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, पर अगर आपको ये सारे कोड्स याद रहेंगे तो आप विद इन 10 to 15 सेकेंड में अपनी करप्टेड फाइल को ईजिली डिलीट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।